राम राम साहब, मैं हूँ प्रिया। मैं हूँ मैम और आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल ब्रो सिस रिएक्शन 2.0 में। सो गाइस, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं सर सेनावती हंबीर राव मूवी के इंट्रोडक्शन सीन पे। वैसे ये एक मराठी मूवी है और इस मूवी को डायरेक्ट किया है प्रवीण तरडे सर ने, और इस मूवी में सर सेनापति हंबीर राव का कैरेक्टर भी प्रवीण तरडे सर ने प्ले किया है। और इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज बने दशमीर महाजनी। तो सबसे पहले हम ये सीन देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्वराज्य छोड़कर क्या है स्वराज्य? औकात क्या है उनकी? किस लिए आलमगीर औरंगजेब पिछले 6 सालों से दिल्ली का तख्त छोड़ के इस दक्कन की घाटी में आ पड़ा है, इस पहाड़ी धूल और मिट्टी में? लेकिन हम भी जानबूझकर पड़े रहे, उस दिन का इंतजार करते रहे जिस दिन कोई सुरमा इस भरे दरबार में आएगा और कहेगा, हाँ हमने शिकस्त दी है उस पहाड़ी चूहों को। और आज वो सुरमा हमें मिल भी गया है। मिल भी गया है के? तुम बुजदिलों को इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। वज़ीर आज़म जी, सरजा खां को बुलाया जाए। सरजा खां, ओके। शेर दक्कन सरजा खान हाजिर हो। सरजा खां, आज इस भरे दरबार में हम तुम्हें रुस्तमे खां इस खिताब से नवाजेंगे, लेकिन उससे पहले इन सब बुजुर्गों को बताओ कैसे मार गिराया मराठों के उस शेर जैसे सर सेनापति को। बताओ मरने से पहले क्या कर रहा था? वो रो रहा था, जिंदगी की भीख मांग रहा था। चेहरा कुछ अलग ही बता रहा है मुझे। अरे उसके मौत की दर्द भरी कहानी सुनाओ, क्योंकि तुम्हारी इस फतेह की वजह से अगले कुछ ही दिनों में ये दरबार इंशाल्लाह रायगढ़ पे होगा। अशा घोषणा सोडून हा कसला आवाज घुमतोय या सह्याद्रीच्या दऱ्याखोऱ्यांमधून? औरंगजेबाच्या दरबारात एका सरसेनापतीच्या मृत्यूवर सुरू झालेली ही गोष्ट 12 वर्ष माग जाऊन एका सरसेनापतीच्या मृत्यूवरच थांबते। राज्याभिषेकाला अवघे 3 महिने राहिले होते। बहलोल खान विजापुरी सरदार उत्तरेकडे प्रचंड धुमाकूळ घालत होता, देवदेवस्थाने फोडत होता। त्यामुळे पिसाळलेल्या या जनावराचा बंदोबस्त करण्यासाठी महाराजांनी सरसेनापती प्रतापराव गुजरांना एक पत्र लिहायला घेतलं। राव सरनोबत, तू धर्मद्वेष्टा बहलोल बहुतच बळबळ करीत, त्यास धरावे अथवा मारावे?
शक्यतो मारावेच. कोणतीही दया माया न दाखवली. शक्यतो मारावेच. महाराजांच्या आदेश बरहुकुम प्रतापरावांनी त्या बहलोल खानाला आडवा तिडवा लोळवला. फक्त त्यांची एक मोठी चूक झाली. शरण आलेल्याला मरण देऊ नये म्हणून या दिलदार मराठ्यानं त्या जनावराला जिवंत सोडलं. आणि तत्क्षणी रायगडावरून प्रतापरावांसाठी महाराजांचं अजून एक पत्र निघालं. प्रतापराव, त्या खानाशी सलाह काय निमित्त केला? हुकुम होता की बहलोल खानास ठरावा अथवा मारावा, तरी तुम्ही त्या झरीचा पास सोडलात न ठेचता. खानाच्या तरवारीने कापली केलेली रयत तुम्हास कधीच माफ करणार नाही. कधीच नाही. सरनोबत आहात, आता तरी सरनोबतासारखे वागा आणि लिहा या जबाबदार तुम्ही राव. कर्तीस मिळवा खानास. कर्तीस मिळवल्याविना आम्हास रायगडी तोंड दाखवू नका. राजांचे हे भिखारी शब्द स्वाभिमानी प्रतापरावांचं काळी चिरत गेले. आणि दुखावलेले प्रतापराव कुठलाही विचार न करता अवघे 6 सरदार घेऊन बहलोल खानाच्या दिशेनं निघाले. महाराज के एक आदेश अपने मतलब जान की परवाह किए बिना निकल गई है. सबके नाम ले. हाँ डर जैसा तो कुछ दिखता ही नहीं है इनमें. तो गाइस ये था पूरा सीन. और ये सीन इतना अच्छा लगा ना मुझे, मतलब पूरा का पूरा सीन. और इसके अंदर 7 दौड़ले वो भी पूरा सीन दिखाया गया कि भाई मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज एक चिट्ठी लिखते हैं कि भाई जो बहलोल खान है उसको मतलब जिंदा नहीं छोड़ना, उसको मार देना है. और फिर मतलब वो उनको जिंदा छोड़ देते हैं, उन पे दया खा लेते हैं. लेकिन फिर जब वो चिट्ठी मिलती है तब वो 7 मतलब वीर सैनिक छत्रपति शिवाजी महाराज के 7 वीर सैनिक उस पूरी सेना से भिड़ने के लिए चले जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे. तो आप सोच सकते हो कि मतलब वो कितना आदर और मतलब कितना वो छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए सोचते होंगे कि वो अपनी जान की फिक्र किए बिना वहां पे मतलब उस पूरे सेना में कूद जाते हैं वो ओनली 7 बंदे. तो ये बहुत ही बड़ी बात है. और जैसा इसमें स्टार्ट में दिखाया है कि औरंगजेब बोलता है कि दिल्ली तक सब जगह हमारा कब्जा है, बस एक मराठों का साम्राज्य ऐसा है, मुट्ठी भर मराठे ऐसे हैं जो मतलब झुकने को तैयार हैं. और उन्होंने सच में मतलब औरंगजेब के
नाक में दम कर दिया था और जैसा एंड तक भी वो मतलब कब्जा नहीं कर पाया था, तो ये तो मतलब बहुत बड़ी बात है। मुट्ठी भर जो मराठे है ना वो इनकी पूरी सेना जो इनकी फौज है उन सब पे बहुत भारी पड़ने वाली है। देखा है ना कि जो 7 लोग है उस पूरी फौज पे भारी थे, और आप सोच सकते हो वो पूरी सेना। और अभी तक में जो मतलब कश्मीर महाजनी का जो रोल दिखाया है ना, मतलब छत्रपति शिवाजी के कैरेक्टर में वो इतने कमाल लग रहे हैं। उनका जो अग्रेशन दिख रहा था, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है वो परफेक्ट लग रही थी। ओवरऑल इस सीन गाइस हमें तो बहुत अच्छा लगा, और जैसे ही वो 7 दौड़े स्टार्ट होना गूज बम्स आ रहे थे लिटरली, सो हमें बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप चाहते हो कि हम इसके नेक्स्ट सीन पे जल्दी से जल्दी रिएक्शन लेके आए तो वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अभी करते हैं इस वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, सजेशन देना और अपना सपोर्ट इस चैनल पे यूं ही बनाए रखना। सो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।